आज मुख्यमंत्री गुरुग्राम के दौरे पर हैं और ये गुरुग्राम का दौरा जो है काफी अहम है, कई मायनों में अहम है और इसी पर चर्चा करेंगे। इसी पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर श्रमिक दिवस कार्यक्रम का आयोजन गुरुग्राम में किया जा रहा है। गुरुग्राम में कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू होगा, कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहीं कैबिनेट राज्य मंत्री अनूप धानक भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे पहले सीएम मनोहर लाल ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ भी किया है। थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों के लिए सहायता राशि का ऐलान किया गया है। थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों को हर महीने दिए जाएंगे 2,500 रुपए, ये ऐलान किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। रक्तदान शिविर का लक्ष्य 1100 ब्लड यूनिट इकट्ठा करना। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर श्रमिक दिवस कार्यक्रम का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जो है वो गुरुग्राम में किया जा रहा है। और क्योंकि श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री हैं अनूप धानक, कैबिनेट राज्य मंत्री, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और इससे पहले रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है तो इससे पहले रक्तदान शिविर उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया गया है। और अब थोड़ी ही देर में विश्वकर्मा जयंती का जो ये कार्यक्रम है ये शुरू होने वाला है। संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। संजय, क्या कुछ पूरी जानकारी, कितने देर में शुरू हो जाएगा कार्यक्रम? जी बिल्कुल, धन्यवाद। 11:30 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आज जिस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था तो पूरे प्रदेश भर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया और उसी में मुख्यमंत्री ने शिरकत की और साथ ही साथ उस रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। और उसके बाद 11:30 बजे अब गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित लेजर वैली पार्क में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें की तमाम श्रमिक होंगे, तमाम जो होंगे श्रमिक होंगे और इन्हीं के साथ साथ गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत भी शिरकत करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भव्य कार्यक्रम आज गुरुग्राम में आयोजन किया गया और श्रमिकों को काफी उम्मीद है कि आज मुख्यमंत्री विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में कुछ बड़ा अनाउंस करें, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में काफी उत्साह है। और जिस तरीके से आज गुरुग्राम दौरे पर मुख्यमंत्री हैं तो एक के बाद एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं। जी संजय, लेकिन ये अगर इस खास कार्यक्रम की बात करें जो आज श्रमिकों के लिए जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में क्या कुछ खास तौर पर तैयारियां हैं? क्या विशेष रूप से सिर्फ गुरुग्राम के मजदूरों को बुलाया गया है या फिर राज्य भर से ऐसे कुछ लोगों को बुलाया गया हो? को बताना चाहूंगा, जिस तरीके से हम बात करें श्रमिक, तमाम श्रमिक यहाँ पहुंच रहे हैं, वो चाहे गुरुग्राम के साथ साथ लगते हुए शहर हो या फिर गाँव के हो, क्योंकि तमाम जो इंतजाम थे वो पहले ही पूरे कर लिए गए थे, तमाम लोगों को उसमें निमंत्रण भेजा गया था। तो क्योंकि जिस तरीके से विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम कराया जा रहा है तो ऐसे में कहीं ना कहीं श्रमिकों के लिए काफी अहम दिन होता है और इस दिन वो पूजा भी करते हैं अपने इष्ट देव की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम बड़ी घोषणाएं आज इस मंच से हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है गुरुग्राम में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम श्रमिक है या फिर ट्रेड यूनियन के जो लोग हैं उनको काफी आज इस कार्यक्रम से उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अपने संबोधन में कुछ बड़ी घोषणाएं करें। जी, इसके अलावा क्या कुछ विशेष रूप से तैयारियां, क्योंकि राज्य स्तरीय ये कार्यक्रम है आज? जी बिल्कुल, तैयारी दिन से लगातार चल रही थी गुरुग्राम के लेजर वैली पार्क में ये आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि लेजर वैली का जो ग्राउंड है वहाँ हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो आ सकते हैं और इसी के चलते उस जो ग्राउंड को चयनित किया गया था, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आज जो श्रमिकों की मांग चली आ रही थी कि उनके हित में कुछ बड़े फैसले आज मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अनाउंस करते नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आज प्रदेश भर से जो ट्रेड यूनियंस के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, तमाम श्रमिक हैं नेता हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जो कि गुरुग्राम से सांसद भी हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और तमाम चारों विधायक गुरुग्राम की वो भी इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं काफी खास ये जो आयोजन है आज गुरुग्राम में किया गया है। जी, इसके अलावा संजय अगर बात करें तो क्या यहाँ पर विशेष रूप से कुछ श्रमिकों का चयन किया गया है जिनको सम्मानित किया जा सकता है या फिर कोई बड़ा ऐलान संभव हो इन श्रमिकों के लिए?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार श्रमिकों की मांग चली आ रही है कि उनके हित के कुछ फैसले मुख्यमंत्री करें, तमाम ट्रेड यूनियन से बीच बीच में कहीं ना कहीं वो सरकार का विरोध भी कर रहे थे, तो आज इस मंच से कहीं ना कहीं उनको काफी उम्मीदें जरूर हैं। काफी उम्मीदें इसलिए हैं क्योंकि आज मुख्यमंत्री विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में तमाम श्रमिकों को आज एक मंच से कहीं ना कहीं वो संबोधन करेंगे और संबोधन भी देंगे, और उसी के साथ साथ उनको काफी खासी उम्मीद है कि आज इस मंच से मुख्यमंत्री जो श्रमिक है या श्रमिक नेता है उनके लिए एक बड़ा ऐलान करें। जी, इसके अलावा श्रमवीर जो पुरस्कार है या फिर श्रम वीरांगना जो पुरस्कार है, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है कि यहाँ पर ऐसे लोगों को भी सम्मानित किया जा सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से तमाम जो ट्रेड यूनियंस के अधिकार नेता हैं उनको जरूर बुलाया गया और साथ ही साथ कुछ लोगों का चयन भी किया गया है उन अवार्डों के लिए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पहली पंक्ति है उसमें तमाम वो लोग बैठेंगे जिनको आज इस मंच से सम्मानित किया जाएगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा एक सम्मान भी है उन श्रमिकों के लिए और उन वीरांगनाओं के लिए जिनको आज इस मंच से मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। जी जी, तमाम जानकारी देने के लिए संजय, बहुत शुक्रिया आपका। इलाज के लिए उनके माँ बाप पर भी मदद बहुत।